हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ विंटर टिप्स। हालांकि विंटर अब खत्म ही होने वाला है, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा, अगर आप कोई भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते हो तो साथ में आपको थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन या फिर हल्दी या फिर आप तीनों का मिक्स कर सकते हो, तीनों का मिश्रण ले सकते हो। मैंने यहाँ पे तीनों लिया है और साथ साथ मैंने लिया है नीम का पाउडर। ये मैं हमेशा रखती हूँ रेडी करके और साथ में मैं ले लेती हूँ फेस वॉश। इन तीनों का मिश्रण और फेस वॉश से मैं रोज़ अपने फेस को वॉश करती हूँ। मेरे फेस में जो भी एक्ने का प्रॉब्लम होता है इन सब से दूर हो जाता है और एक ब्राइटन लुक ऐड करता है। तो आप इस तरीके से विंटर हो समर हो आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। आप चाहो तो बेसन ले सकते हैं या फिर बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और जो चाहे आप ले सकते हैं। दूसरा जो टिप्स है बहुत ज़्यादा ऑसम है। इस तरीके का टोनर हम सभी यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसे टोनर यूज़ करते हो तो साथ में आपको कॉटन पैड भी लगता है, जिससे आपका टोनर आधा कॉटन पैड में रह जाता है और आधा ही आपके फेस पे लग पाता है। तो आपको करना क्या है, एक खाली बॉटल लेना है, उसमें अपना सारा टोनर भर लेना है और उसको अपने फेस पे स्प्रे करना है। इससे आपका टोनर का बर्बादी भी नहीं होगा और आपका कॉटन पैड भी बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने टोनर को बहुत टाइम तक बचा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और तीसरा मेरा टिप्स जो है बहुत ज़्यादा खास है। अगर आप अपने फेस को डेली वॉश करते हो तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मिस्टेक करते हो। करते क्या हो, आप अपने फेस को वॉश करने के बहुत देर के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना हमारा स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, खिंचा खिंचा सा रहेगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट सा नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, अपने स्किन को धोने से या फिर नहाने के बाद फटाफट से अपने बॉडी लोशन या फिर अपनी क्रीम जो है फेस पे बॉडी पे अप्लाई कर लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, आपका स्किन जो सूख जाता है, तो आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है और अपने क्रीम के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई करना है। तो इससे आपका स्किन जो है सॉफ्ट एंड सफल बना रहेगा। जब बात हो रहा है स्किन का, तो बॉडी के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी स्क्रबिंग के लिए यूज़ करती हूँ बॉडी क्यूबिट का ये चॉकलेट स्क्रबर, जो कि है पैराबिन और सल्फेट फ्री। इस पर है पेपरमिंट एसेंशियल, जो आपको बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग फील देता है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो अमाउंट है बहुत ही कम लेना है और अपने बॉडी में इसको स्क्रबिंग करना है। ये आपके जितना भी डेड सेल्स है, ये फाइन चॉकलेटी पार्टिकल्स आपके डेड सेल को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे हैक्स जो है पसंद आए हो। अगर आपको ये स्क्रबर बाय करना है तो नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बॉडी स्क्रबर है, इसे लगाने के बाद आपका स्किन में बहुत सुंदर सा आपको फील होगा। आपको एक्स्ट्रा कोई लोशन लगाना नहीं पड़ेगा, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट आपका स्किन जो है फील करता है। तो ये एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट आप जरूर कर लेना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।